हेलो माली, कैसी जी, क्या हाल है हो? अतुल? मैं ठीक हूँ। आज कैसी हो आप? मैं बेहतर कल हूँ, तो आई आप गेस। तबीयत सही नहीं थी आपकी। मेरी तबीयत आज भी सही नहीं है, मैं ऐसी ही है, नजला अच्छा जुकाम है ना, वो एक हफ्ता लगता है ना, मैं कह रही हूँ होते जी, होते एक तो। हफ्ता मिनिमम ही, एक हफ्ता तो लगते ही लगता है जी। हाँ एक्चुअली वो पहले जब वो अफजल थे तो उस वक्त मेरा वो हो रहा था एक दो क्वेश्चन करने का उनको, क्योंकि वो कह रहा था कि आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही हैं, तो वो ट्रांसलेशन कर रहा था उसमें। तो मैं उसको ये पूछना चाह रहा था कि आज आप हमें सही इन्फॉर्मेशन बता दो। लफ्ज़ वो 434 जो है, सूरह निसा 34 जो है, उसका एक एक। आइए, क्या मैं बोल रहे आपको हो? बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, आपको आपकी हर स्ट्रीम देखता हूँ, लेकिन एक चीज मैं देखता हूँ, मैंने जब शुरू किया था तो उस वक्त आपका आपकी नॉलेज इसमें इस्लाम में या कुरान में या इसमें नहीं था, लेकिन अभी मैं नहीं, देखता हूँ कि आप अभी आपकी इतनी ज्यादा अच्छी कमांड हो गई है, और जिस तरीके से आप उनको एंगेज करती हो, इट्स वेरी इम्प्रेसिव। ऑनेस्टली इट्स वेरी इम्प्रेसिव। थैंक तो उससे बहुत मजा आता है, यू। लेकिन मुझे ये क्रेडिट देना पड़ेगा, ज्यादातर मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा ये हारिस गालिब, हमारे जो है ना प्रोफेसर। मैं खुद भी उनको देखते हैं कि अभी मैंने तो यहाँ तक कर लिया है कि बिलीव इट और नॉट, आप लोगों की वजह से मैंने कभी कुरान को पढ़ा नहीं था, लेकिन मैंने एक साल के अंदर अंदर मैंने कुरान की सारी ट्रांसलेशन 80% ट्रांसलेशन मैं खुद कर लेता हूँ, मैंने इतना अच्छा, डेटा। हाँ हाँ जी, और नहीं, मैंने इसकी मैंने पढ़ा भी नहीं है कुरान को तर्जुमे जी से, मगर मैंने ये आयतें देखी हैं। मैंने इस्लाम ये चीजें पढ़ के नहीं छोड़ा था। मैंने जी इस्लाम जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे एज अ चाइल्ड अपनी माँ के साथ, वो देखकर छोड़ा था, क्योंकि मेरी माँ ने छोड़ा था ठीक है ना। तो जी मैंने देख लिया था, मुझे दिखा कि भाई एक जगह मुझे दिख रहा है कि हम लोगों को इतनी तकलीफ दी जा रही है, और एक दफा मैं देख रही हूँ दूसरी जगह पे लोग अपनी मर्जी से रह रहे हैं, और जो दिल करता है करती हैं, पढ़ने जाती हैं, लिखने जाती हैं। तो नॉट लाइक मेरे लिए एप्पल वो था, वो चॉइस इतनी मुश्किल नहीं थी मेरे लिए। आई वाज लाइक नो, आई वांट दिस गॉड। मैं ऐसे गॉड के पास क्यों जाऊं भैया, जो जालिम है उसके पास क्यों नहीं जाऊं जो जालिम नहीं है मेरे लिए। तो आई वेंट विद माय मदर, जो जहां वो, ये तो इस्लाम की चीजें प्रॉफिट की इनकी, ये मुझे बाद में पता चलनी शुरू हुई है। इट्स जस्ट कि अब मेरी नॉलेज और डिबेट कर कर के ना, आर्ग्यूमेंट सुन सुन के, आपको आर्ग्यूमेंट्स आने चाहिए, क्योंकि ये चंद ही आर्ग्यूमेंट्स लेकर आते हैं, इनके वही घिसे पिटे आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो नाउ इफ यू नो हाउ टू रिस्पॉन्स टू दोज आर्ग्यूमेंट, तो वो बेहतर हो जाता है। सो थैंक क्या यू मुझे सो आप ये, मैं आपकी आपसे मच। मैं इसको क्या नाम है वो करता हूँ, सेकंड करता हूँ, क्योंकि मुझे हालांकि मैंने इसकी पिछले 6 महीने से मैं इसकी जो ग्रामर है अरबिक की वो भी दे रहा हूँ, उसके लेसन्स भी दे रहा हूँ। तो लेकिन मुझे काफी मुझे नॉलेज था, लेकिन आप जैसे आर्ग्यू करती हैं वो मुझे नहीं आता, मुझे मतलब कि वो एंगेज नहीं हो सकता, लेकिन मुझे क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैं उस वक्त कर सकता हूँ जब कन्वर्सेशन हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से आपकी कमांड है दैट्स वेरी इंप्रेसिव, दैट्स मैं आई एम बिग फैन ऑफ यू ऑनेस्टली, सो आई एम लर्निंग फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। टाइगर पांडे जी कह रहे हैं, डोंट वरी माली, जो ओल्ड एज में फिर से मोमिन बन जाएगी। भैया मेरी माँ अभी 63 65 की हो गई, और मेरी माँ मेरे से पहले एथियस्ट हो गई थी। मेरे जो अंकल हैं जो मेरी माँ से भी बड़े हैं, वो सबसे पहले एथियस्ट हुए, फिर मेरी जी मम्मी एथियस्ट हुई हैं। मैं तो अभी क्या कहते हैं, मैं तो फिर भी कुछ स्पिरिचुअलिटी एनर्जी पे बिलीव करती थी, मैं किसी खुदा पे नहीं बिलीव कर रही थी, बट आई वॉज बिलीविंग इन एनर्जी एंड कार्मा एंड दिस एंड दिस। मगर ऐसा ऐसा करके जब से मैंने हारिस इन लोगों को देखना शुरू किया है, उनके आर्ग्यूमेंट सुन के मुझे ये लगता है कि इवन दैट इज नॉट देयर। आई बिलीव इन दिस कि भाई अगर आप खुश रहते हो, आई अभी भी मैं एनर्जी पे बिलीव करती हूँ कि अगर आप पॉजिटिव चीजें करते हो तो अच्छी चीजें होती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप एक गोल सेट करते हो। If I was like, कि अच्छा मुझे जो है YouTube पे 100,000 फॉलोअर्स करने हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो मैं उसको अपने सारे इर्द गिर्द उसको अपने ऊपर हावी कर लेती हूँ, राइट? और उसकी तरफ काम करना शुरू कर देती हूँ। दैट इज माई एनर्जी बींग यूज ऑन टू दैट थिंग, वो पॉजिटिवली यूज हो रही है, और मैं जितना उसमें मेहनत करूंगी ना उतनी जल्दी वो रंग लाएगा। तो जब आपके अंदर ये चीज होती है ना, यू कैन अकॉम्प्लिश थिंग्स। जब आपके पास खुदा आ जाता है, भगवान आ जाए, तो बंदा क्या कहता है, हे मैं आधी मेहनत करता हूँ, आधी अल्लाह मियाँ दे देगा, यू नो बच्चा हो गया अल्लाह मियाँ देगा पैसे, यू नो अल्लाह मियाँ कहाँ से देगा, छप्पड़ फाड़ के देगा अल्लाह मियाँ, ये यू नो अल्लाह मियाँ इज नॉट गोना गिव इट यू।
वो जो ड्राइव है लोगों की वो खत्म हो जाती है, टू डू एनीथिंग, मोटिवेशन, इट गिव्स अ पीस ऑफ माइंड। हाँ जी जी हाँ, वो आपकी बात सही है कि उसकी वजह ये है कि ये बेसिकली इनका वो है, ये अपना दिमाग जो है या अपना सेंस या लॉजिक जो है, ये उसी वक्त इसको ये ट्रैश कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं जब इस्लाम को ये अपने ऊपर ले लेते हैं। उस वक्त देखो आप देखेंगे कि बड़े बड़े से पढ़े लिखे लोग जो भी हैं वो भी जब बात करते हैं तो वो लगते हैं स्टूपर लगते हैं। जैसे कि कल यस्टरडे आपने एक अब्दुल को आपने यहाँ तक कि उसको मना दिया था, वो मान भी गया था, एक्सेप्टेड, बट स्टिल दोबारा से वो ऐसे अजीब से लॉजिक वो दोबारा से ट्रांसलेशन कर रहा है कि जिसकी कोई समझ नहीं आ रही कि ये बंदा यार समझदार लगता है, उसके बावजूद भी इसमें समझना इतना मुश्किल क्या है। आप उर्दू में भी, अब मेरे पास 3 ट्रांसलेशन है उर्दू की और उसमें मैं देखता हूँ कि इनके वर्ड्स उसने जो सही रियल मीनिंग है वो भी दिए हुए और साथ इतना कुछ ऐड किया हुआ है इसमें, और इनको पता भी है लेकिन उसके बावजूद आई डोंट नो कि क्यों समझते नहीं है, मतलब जानबूझ के नहीं समझते, ये ज़ोंबी बन चुके हैं बस डम। जी अच्छा, ये सुपर चैट आई है, अ रियल मैन विल नेवर रेज हिज हैंड ऑन अ वुमन, इंस्टेड ही विल होल्ड हर हैंड नो मैटर व्हाट, रियल मैन शुड बीट द मैन दैट हर्ट वुमन। अच्छा, और मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारे मुसलमान भी मारते हैं, मैं ये अपनी खुद की फैमिली की एग्जांपल देती हूँ कि मेरे बाप की फैमिली वालों में से सब मारते थे, मेरी माँ की फैमिली में से मैं अपने मामों को देखती हूँ, यार उन्होंने अपनी औरतों को फूलों की तरह रखा है, और एक तो मेरी है उन्होंने कभी काम भी नहीं किया आज तक, दूसरी हमारी चंद है मेरी मामी है जो काम करती हैं, मगर उन्होंने फूलों की तरह रखा है, प्यार ऐसा किया कि टूट के, यू नो। तो मैं ही नहीं कह रही कि सारे मुसलमान होते हैं, मगर फिर बात ही होती है कि वो जो मेरे अंकल्स हैं उनका बाप था पारसी, तो बाप ने जो है ऐसा माहौल दिया ना, उनको रेज जैसे किया था, आप जिस तरीके से अपने बच्चों को बढ़ाओगे, जो सिखाओगे बचपन में, वैसे ही वो बिहेव करेंगे बड़े होकर।